बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हाई कोर्ट की हदायत है कि जो शख्स वन वे की खिलाफवर्जी करेगा और उसने हेलमेट नहीं पहना होगा उसको 2000 का जुर्माना होगा। इस फैसले के बाद आम आवाम को तो 2000 का चलान हो रहा है, क्या जो सरकारी मुलाजमीन है, जो सरकारी मुलाजिम है उनको भी 2000 का चलान हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या जो सरकारी मुलाजमीन है वो हाई कोर्ट के इस हुक्म के बावजूद क्या इस हुक्म की जद में नहीं आते? 2000 चलान का आवाम को तो बहरहाल एक बार देते हुए परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन 2000 चलान के होने के बाद बहुत अच्छे असरात जो हैं वो आ रहे हैं सामने, और बताया जा रहा है कि जब से 2000 चलान जो है उसका हुक्म आया है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो हेलमेट भी पहनने लगे हैं और जो सीरियस नोयत की हेड इंजरीज होती हैं उसमें वाज़ेह कमी आई है। लेकिन जहां पर लोग बिल जमा करवाने और महंगाई से तंग आकर खुदकुशी कर रहे हैं वो लोग किस तरह से 2000 का चलान जमा करवा रहे हैं? आइए आज के प्रोग्राम का बकायदा आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग 2000 का चलान भर रहे हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। देखिए नाज़रीन, ये सीन है, वो 2000 का आम शहरियों को तो चलान कर रहे हैं, पुलिस वाले को नहीं कर रहे, और पुलिस वाले ने देखते हमें दौड़ लगा दी। भैया आ गया, आ गया, ये देखें नाज़रीन, ये इन लोगों के लिए कानून नहीं है, कानून इन लोगों के लिए नहीं है, कानून आपके लिए है, मेरे लिए है। इनसे बातचीत करते हैं। आए सर, सर हेलमेट नहीं पहना हुआ उन्होंने। सर अभी घर से निकल के आया हूँ सर, मैं 2000 का चलान है तो वादा मिले, वादा तो बाहर है तो आईडी कार्ड दे। ठीक है सर, सर्विस कार्ड भी दे, आईडी कार्ड तो अभी मैं निकल के आया हूँ, वादा मुबारक। लेकिन आपको पता तो है कि आप कानून के रखवाले हैं, देखें अगर आवाम को हो रहा है ना, मिनते कर रही है ना, 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 ना। सबके लिए अपने हेलमेट नहीं पहने, कितना जुर्माना कर रहे हैं? सीनियर अफसर है, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, अपना आईडी कार्ड सर पहले आईडी कार्ड। सर वैसे क्या मसला है यहाँ पे, जितने पुलिस वाले आ रहे हैं उन्होंने हेलमेट नहीं पहना? नहीं, ब्रीफिंग तो है, निकल के आया ब्रीफिंग तो है, सब मोस्टली पहन रहे हैं, जो नहीं पहन रहे उनको। सर आप हमारे आने से पहले रोक भी नहीं रहे थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमने आके किया था, हमारी ना शिफ्ट चेंज हुई है, देख रहे हैं। अभी कितना चलान कर रहे हैं जो कानून के मुताबिक? क्या कानून के मुताबिक क्या है? जैसे 2000 चल। सर ये क्या कोई मतलब कि वर्दी पहनी हो तो दिल नहीं करता कि मैंने पहनी? सर नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये देखो हेलमेट कैप लेके आए हैं, ड्यूटी पे होते हैं ना, तो क्या वो पता है कि मैं वैसे इस चीज़ पे आपकी बड़ी दाद दूंगा कि आप निकल गए थे, आप रुक गए? नहीं नहीं, यहाँ पे तो उन्होंने दौड़े लगवाई हैं, पुलिस वाला तो रुकने को तैयार नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस वर्दी को पहन के आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना, तो कम होती है? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ जाती है, बढ़ जाती है ना। सबसे पहले आपने रखवाली करनी है ताकि यार बात ये मुझे महसूस ना हो कि मुझे ये पता हो कि यार हर बंदे को चलान हो रहा है। जी सर बिल्कुल। आप अभी किधर जा रहे थे? सर मेरी वालदा बीमार थे हॉस्पिटल में, अभी ना निकल भी मुझे फोन ही आया था, अल्लाह का हाँ तो वो निकल जाओ। आप हेलमेट सरिया खड़ी नहीं करते? सर रखा हुआ था, बस फोरी निकलो ना, ये जा रहा सरिया खाना हॉस्पिटल ने, वहाँ पे एमरजेंसी निकल गया हूँ, अगर आप मेहरबानी की। सर ठीक है सर, कितनी तादाद में चलान हो रहे हैं डेली की बुनियाद पर? डेली बेस पे हम रूटीन में ही कर रहे हैं। जैसे तुम्हारी नंबर प्लेट भी नहीं है? हाँ जी सर, वांके ले आए अपने को, है ही कोई नहीं मोटरसाइकिल, तुम्हारी अपनी नहीं है? हाँ जी। नहीं सर, कितनी लेके आए? दोस्त ही सर लेके आए हैं, जैसे मेरी अपनी मोटरसाइकिल खुला है ना, इसकी नंबर प्लेट है, पिछली भी नहीं है। अच्छा है ही नहीं, वो मतलब मैं लेके आया, चोरी भी हो सकती है? नहीं सर, कितने रिकवरी वाली तो नहीं चुक ले? नहीं 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 सर नहीं, तो वो मकैनिक को लेके आया अपने, तो सर है नहीं, तो इस वास्ते जरा। सर वैसे मैं क्या नाम है आपका? सर मेरा मोहम्मद रमजान है। रमजान भाई, मुझे ये लगता है कि आपकी आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता कि आप कानून के रखवाले हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग ना फॉलो करेंगे तो फिर हमें दुख होगा, ठीक है, क्योंकि 2000 भरना बाहर आल एक मुश्किल तो है, बहुत तकलीफ है। आपकी क्या वैसे क्या तनख्वाह होती है? मुझे तो इसका इल्म नहीं है। 50-60 हज़ार है सर? इतनी है, इतनी है। बहुत से लोगों की 18-18 हज़ार रुपया तनख्वाह और 2-2 हज़ार रुपया। हाँ जी सर। सर अभी मुझे बताएं कि जिसको 2000 रुपया चलान करते हैं तो फिर क्या उसके आगे क्या हीले बांधे होते हैं, किस तरह से लोग दे रहे हैं? लोगों के पास पैसा ही नहीं है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि जो कानून बनता है उस पर अमल दरामद तो करवाना है। जिस बंदे के पास पैसे नहीं है क्या करता है फिर? वो गाड़ी बंद होती है, फाइन पे कर आपका कर रहे हैं? करें सर, इनका फोन नंबर कर रहा हूँ सर, ये प्रोसेस में है, ये ज़्यादा देर नहीं कर रहा सर। ये तो आपने मैं कोई पानी लाया था देखे ना जी। जी क्या नाम सर आपका? रमजान। रमजान लाहौर में ही रहते हैं सर? जी मोबाइल नंबर बताएं। 0321 23 90 115। तो ये नंबर शंबर भी लिखते हैं सारा?
ये सारा कुछ लिखते हैं लेकिन ऐप काम नहीं कर रही। ये देखें बैग चला, पुलिस वाले शायद इनका इसलिए चला नहीं हो पा रहा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐप को भी पता लग गया। सर सर आप आए, ये ऐप को लें जो थोड़ा ऐप को पता लग गया। मैं तो मजबूरी में मेरी चलान ऐप काम नहीं कर रही, पुलिस को देखे ऐप भी नहीं काम कर रही सर थोड़ी। जैसे बाकी लोगों के चलान हो रहे हैं आपके भी सबके ही है। ये आप अपना आईडी कार्ड दे, आईडी कार्ड दे कुछ नहीं। मैं देते मैं वालता लम्मा पिया था तो बच्चे मेरे हाथ से कराने मैं तो निकल के जा रहा हूँ, एमरजेंसी निकल के आया हूँ। दस तो कौन फाइन जमा करा दो, मैं दे रहे हैं फाइन। नाम बोलो अपना, मोहम्मद रमजान 32202-3599249। नाजरीन ये देखें, ये देखें वो साहब इशारे को भी फॉलो नहीं कर रहे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? थोड़ी नंबर प्लेट भी नहीं है, नेम प्लेट भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है, इशारा भी तुम तोड़ रहे हो। कितने खलोते? इशारा तो बंद है। आ जाओ उधर, आ जाओ, आ जाओ उधर, आ जाओ, आ जाओ बिल्कुल, चलो ना इशारा खुल पैना है, इशारा खुल पैना। आओ आओ इंशाल्लाह कानून तो इम्प्लीमेंट करना आप। आ जाओ, आ जाओ यार, ये आप क्या कर, ये आप क्या कर, हेलमेट है कुछ भी नहीं ना करे, इधर है आपका चलान करवा, नेम प्लेट किधर? आज ही से आपने कहा जिसका नेम प्लेट नहीं है वो डकैत है। वर्दी आपकी अपनी है, कैसे पता? बाइक किसकी आपकी? पिछली नंबर प्लेट भी नहीं है, आगे लगी हुई है, आगे लगी हुई है, लगी हुई है। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए मेन रोड पे खड़े हैं, सामने हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट आप लोग कानूनी मार से आ रहे हैं। आए उधर, आए पुलिस लाइन से आ रहे हैं, जिधर मर्जी जा रहे हैं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ना करें ये टीवी पे चलना, लोगों को ये महसूस हो। आ जाए वैसे आज चले आए हैं, नहीं भागिएगा मत, अब नहीं 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 नहीं, इधर इधर मोरे चले ना, आए आप इधर आए, आगे यार भागिएगा मत, ये इधर नहीं भागते, आए फिर आप मोरे, आप मोरे मोरे यहाँ आपने वर्दी पहनी, आपका मसला नहीं है, आप इसलिए बाहर नहीं मार मारा, वार्डन इधर आ रहा है जी, उन्हें बुलाए, उन्हें बुलाए वार्डन को। यार आप इधर मेन रोड पे सर्कस कर रहे हैं, मतलब कि आप घुमाने लगे हैं। मैं उधर ही यार उसको करवाए चलान करवाए, तो उधर ही जा रहा हूँ। हेलमेट क्यों नहीं पहना? उधर ही जा रहा हूँ, हेलमेट क्यों नहीं पहना? आपने कहा उधर आ जाए, मैं उधर ही जा रहा हूँ, उधर ही जा रहा हूँ। नेम प्लेट का, नेम प्लेट का, उधर ही जा रहा हूँ। आए आए आप यहाँ पे भाग रहे हैं, भाग रहा हूँ, बुलाए उनको जरा, वो इनका चलान नहीं करना चाह रहे, उन्हें बुलाए जरा, ये उधर जाना नहीं चाह रहे, वो इधर आना नहीं चाह रहे, और आ रहे हैं सर को बुलाए, एक मिनट बुलाए जरा, अगर आम आवाम 2,000 रुपया भर सकती है जो 15,000 या 20,000 रुपये महीने का कमा रहा है, तो ये कौन से शाही लोग हैं जो चला नहीं भर रहे? सर एक मिनट, सर एक मिनट आइए, आए आए इधर आप आ जाए, आप आ जाए, आप सर से रिक्वेस्ट करें जाके, सर को रिक्वेस्ट करें जाके, नहीं आप मुझे तो जाने नहीं दे रहे। आए सर बंद बंद बाइक पे, मैंने उधर नहीं जाना, इधर बुला दो, ठीक है यार उन्हें बुलाइएगा, बुला ले इधर, कौन से थाने से? नहीं पता, बुला ले उन्हें, पता यार नहीं पता, कुछ नहीं पता, बुला ले उन्हें। थाना कौन सा? नहीं पता। नाम क्या आपका? नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। बाइक किसकी है? पता नहीं, उन्हें बुला ले आप, यार चलान करवाए जो करना है आप, तो आप आ जाए ना, वो इधर आना नहीं चाह रहा, सुना करे वो, देखे नाजीन एक कैमरा उधर करे, वो इधर आना नहीं चाह रहे और ये उधर जाना नहीं चाह रहा, मैं करवा जाती बात सुना करे। आप मेरे साथ ही खड़े हैं फिर, आए उतर के आ जाए। नहीं मैंने नहीं उतर के आना यार, आपको आईजी लगे में, आईजी साहब यहाँ पे रिकॉर्ड परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं आप लोगों की, आप लोग कर क्या रहे हैं सर? क्या कह रहे हैं आप? आवाम कह रही है कि इनका चलान नहीं हो रहा। देखो जी इंसानियत यही है, सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं आ रहा चाहिए, ये कानून आ रहा चलाने, जब भी मुनाफा हमारा बर्बाद है, जब भी हम तो हम लोग तबाह हो रहे हैं, कानून 2,000 का होगा, मैं कह रहा हूं होना चाहिए, इन्हें भी होगा चलान, हर बंदे का, जब भी इंसान है एक्सीडेंट हो गया इसका, सर ना उसका मीटर है ना मीटर है, इनकी तो नेम प्लेट नहीं है, भाग है जी, आखिरकार उनको आना ही पड़ गया सर। थैंक यू, आखिर शुक्रिया सर, हम आधे घंटे से उन्हें रोक के खड़े,
सर किधर से आया? आईडी कार्ड है? हाँ जी आइए। दिखाएं जरा। नहीं आईडी कार्ड नहीं है, फोटो कॉपी है। फोटो कॉपी आईडी कार्ड। नाम पूछे इनका, इनका तो नेम प्लेट भी नहीं लगा सर। आप लोग हर एक चीज का एक तरीका है कि करेंगे चलान, वैसे नहीं कर। चलें बिस्मिल्लाह। ये डिपार्टमेंटली एक्शन भी होता है, अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो लाइन में आपके लिए ये सारी ब्रीफिंग तो चलती है डेली बेसिस। ने नहीं पहना हुआ वो देखो, नहीं ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। आप तो कानून नाफिज करने वाला इदारा है यार, यार आप हमारे मुहाफिज है यार, आप हमारे मुहाफिज है। हमने ये आगाही पैदा करनी है कि यार हर बंदा देगा, आप पे इसकी जिम्मेदारी है यार। एक आपका नाम क्या? मुझे तो आप नाम ही नहीं बता रहे, क्या नाम है आपका? उन्हें बता दिया, मोबाइल नंबर बताएंगे? 0308। बहुत प्यारा मुल्क है पाकिस्तान, कानून ठीक हो जाए, सब निजाम ठीक हो सकते हैं मुल्क के अंदर, हर चीज। गरीबी मर रहा है, सुबह यही टेंशन होगी, अंडे लेने जाओ चलान, डबल रोटी लेने जाओ चलान, रोटी लेने जाओ चलान, माड़े बंदे को पकड़ते हो, किसी बेचारे वाले को ही पकड़ो, चलान ठीक हो रहा है, पकड़ो इनको, चलान ठीक हो रहा है। दो चीजें मिली पाकिस्तान, मैं कह रहा हूँ इनको चलान ठीक हो रहा है। दो चीजें मिली हुई चलान वालों को, ट्रैफिक वालों को, मोटरसाइकिल और रिक्शा। ठीक है, जो बेचारा गरीब रोटी ढूंढ रहा है उसको तुम चलान कर देते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक हो, अभी जमा करवा लेंगे। नहीं अभी नहीं, सर इसकी तो चुनाव की गाड़ी मोटरसाइकिल अभी आपको पता है सैलरी नहीं आई। क्या कह रहे हैं? अभी आपको पता है सैलरी नहीं, लेकिन कुछ देते नहीं तो इनकी बाइक गाड़ी बाउंड करना पड़ेगी, बाउंड समझते हैं, ये गाड़ी बंद करना पड़ेगी, फिर क्या करेंगे? हेलमेट होना चाहिए था आपको यार, कुछ भी नहीं चलेगा। ये 2 महीने से सारा मैसेज चल रहा है हेलमेट का। ये पहले पता कि अपने रोड पे चलना है तो हेलमेट लेके आना, सीनियर अफसरान देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बाकी लोगों के हम चलान कर रहे हैं, आप लोग हेलमेट नहीं पहन रहे। क्या कर, लाइसेंस भी नहीं आपका? लाइसेंस तो बना ही नहीं हुआ। गाड़ी बाउंड कर लो, बता दें आप अगर अभी जमा करवा सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, फिर ये गाड़ी मुझे आपको छोड़ के जाना पड़ेगी, बड़ी मादरत से आपको गाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगी। क्या करें, पूछ सकते हैं ये आप पकड़ते वेरिफिकेशन सारी करते हैं ना, आप इनसे भी पूछे ना कि ये गाड़ी इनकी है, जो पोजीशन है गाड़ी की देखे, मुझे तो लग रहा है ये थाने में गाड़ी पड़ी हुई थी, वही से उठा के ले किसी की स्टार्ट करके। सर की कह रहे यार, आपने जाती है गलत, मैं गलत किया, बाकी वो 2000 चालान हो रहा ना, चालान की बात नहीं, जाती है, नंबर भी नहीं है, नंबर नहीं पाया यार, तो है पिछला नहीं है, पिछली नंबर प्लेट नहीं है आपका, तो नहीं पिछली नहीं है, टूट गई है, फिर उसके बाद ये बाकी मीटर नहीं है, सिर्फ हेलमेट पाना चाहिए था। देखो मेनू जैसे मेनू भी सुबह चालान होया, इनू भी होया, तो चालान होया ना, 2000 दे रहे हो ना, तो फिर यार तुम भी भराओ, असि देखेंगे तुम चालान दिता तो मेनू खुशी होगी, मैं हंस के देंगा। बाइक का नंबर क्या वैसे? 9943। बाइक तुम्हारी अपनी? यार अपनी है, शाहबाज भाई किड्डा अच्छा काम कर रहे ने, आ जाओ आज बिस्मिल्लाह, आज सर आज इधर आ जाओ, वेरी गुड, क्लैपिंग देखे, क्लैपिंग कर, क्लैपिंग आ जाओ, कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, नहीं जा, बहुत शुक्रिया, चला जाऊंगा, आया आया, जैसे मर्जी आ दे सर, जितना बनता है दे सर, वैसे हर शख्स को 2000 ही हो रहा है, किसी को 200 भी हो रहा है, मैं सिर्फ में सिर्फ 2000 ही निकालती है वो, कम से कम जो चलान है वो 2000 है, इससे कम कोई चलान नहीं है, किसी भी वायलेशन का 2000 से कम नहीं, ऐसा नहीं है, वायलेशन 4-5 है जिसपे 2000 रुपए फाइन, एक धुआं छोड़ने वाली गाड़ी, एक वन वे की खिलाफवर्जी, 550 जेरे दफा,
जी मैं कह रहा हूँ 2000 कम से भी कोई चलान है किसी वायलेशन से कम किसी और वायलेशन में हो सकता है, हेलमेट का चलान 2000 भी है। और दो महीने से ये प्रोसेस चल रहा है, लोगों को आगाही भी दे रहे हैं, सिर्फ चलान ही नहीं कर रहे, लोगों को आगाही भी दे रहे हैं। आईडी कार्ड तो आपके पास है ही नहीं, कॉपी है। चालान जमा करवाएंगे फिर मिलेगा। ये बंद करवा गए? हाँ बंद। ये अब आएंगे तो चालान देंगे, क्या करेंगे? चालान जमा करवाएंगे। आपने चालान कर दिया, क्या कैसे पता लगता? ये उसके नंबर पे ना, ये देखिए, ये सिर्फ पुलिस वाले के साथ नहीं है, बाकी लोगों को भी। अब तो ये या तो आपको भरना पड़ेगा या वो भरेगा। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब कि ये किसी ना किसी को भरना पड़ेगा, वही भरेगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि वो आके आपसे फिर बदमाशी ना करे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ये पुलिस वाले कोऑपरेटिव है। ये हाई कोर्ट है और मेरा ख्याल है कि 15 फुट हाई कोर्ट के आगे जो है ना वायलेशन हो रही है। और यहाँ पे सिर्फ मकसद ये था कि अगर एक आम शहरी, एक गरीब शहरी, एक आम आवाम जो वेलकम अली भाई, मैंने ये पूछना है कि इनसे आप सर से पूछें कि जब हम सामने पूछ लेते हैं यार, जब हम सिग्नल पे विदाउट हेलमेट आते हैं 2000 का चलान किया, ठीक है हम रॉन्ग है, इनसे ये पूछें कि इनका काम बनता है कि नंबर, जैसे कि मेरे पास बाइक है उसका नंबर मेंशन करें, मेरा नंबर लें, मेरा आईडी कार्ड लें। अब मुझे पीछे रोका कल सर ने, उन्होंने ये देखे 2000 का फाइन किया, पास ही TCS वाला भी उठाया हुआ है। इमरान अशरफ साहब ने एक इंटरव्यू किया था, एक्सपोज किया था इन्हें कि बिल्कुल स्टारलाइट के साथ एक खोखा है, ठीक है वहाँ पे जाकर पर्ची पे, जैसे कि ये पर्ची है साथ वो जैस कैश वाला, जैस कैश वाला, ठीक है। अब मुझे सर ये फर्जी बातें कर रहे हैं, ऐसा मैंने देखा ये पिछले चौक पे खड़ा है, सर प्रूफ है मेरे पास, आपके पास प्रूफ है? जी जी नहीं ये प्रूफ है मेरे पास, जैस कैश वाला भी, ये देखिए जैस कैश वाला प्रूफ है, बकायदा फुटेज है मेरे पास, वो ये आप लोग जमा तो कोई करेगा इसको, चालान को जमा तो कोई करेगा, जमा तो बनता है लेकिन मेरी कितने पैसे एक्स्ट्रा लिए? 2000 रुपए सर, ये देखिए। नहीं नहीं चार्ज कितने किए उसके अलावा? 2000 रुपए लिए, लेकिन मुझे ये है कि मुझे कुछ भी स्लिप नहीं दी उन्होंने, ना मेरे बाइक का नंबर लिखा, ना मेरा नाम लिखा है। सर ये देखें, चालान का जमा हुआ है आपका चालान? नहीं मैसेज नहीं आया मुझे, उन्होंने कहा मैसेज नहीं आता, वो मैंने सिर्फ प्रूफ पूछे और बाइक पे बैठ के मुझे पुलिस के वाले कहने लगे थे आप गरीब आदमी क्या करे, मैंने 2000 वहाँ पे दिया, उन्होंने साथ ही मुझे जाने दिए। चलिए चालान तो 2000 का होना था, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, ये चालान है TCS का, मेरी बात इसका लिया, TCS का भी लिया, 300 लिया, वो पीछे बैठे हैं साथ ही, वो मतलब कि जो जैस कैश कर रहे थे 300 एक्स्ट्रा लिया, 300 एक्स्ट्रा लिया ऑन द स्पॉट छोड़ने के लिए, क्लियर बात कर रहा हूँ। ये देखे इधर सराउंडिंग में कोई दुकान है ऐसी जो चालान पे पीछे वैसे बंदा बैठा हुआ है? नहीं बनता नहीं बैठा, ये गलत बात कर रहे हैं, वो बाइक लेके जा रहा है, नहीं सर ऐसी बात ही नहीं है, वो बात कर रही है, बनती है जो बात नहीं है वो नहीं कर रही, ये बंदा बैठा हुआ है, इधर कोई बता दें आप, सारे बंदा बैठा है, ये वीडियो को ऐसे नहीं, ये चालान आपने एविडेंस जमा करवाया था, जमा करवाने का एक प्रोसेस है, जिसके पास है उससे जमा कर रहा है, नहीं है लेकिन यहाँ पे आके अपनी जैसे ऐसी दुकान लगा सकता है, 2000 रुपए चालान हो रहा है? नो नो कोई है जो साथ बैठे में गलत बैठे में, सर कोई है तो दिखा, ये जो बैठे में गलत बैठे में, ये मैं इसी रोड पे आप आ जाए मेरे साथ, अनारकली भी बैठा हुआ है साथ, जैस कैश बाइक भी बैठा हुआ है, मार्केटेड जो एरिया है ना, मार्केटेड एरिया में जैस कैश इसी पैसा का कारोबार तो हर जगह पे है। नहीं नहीं अगर बॉर्डर वाले के साथ भी बैठा हुआ है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये माल का तो नहीं, जो सर्विस वाली रोड है ना हॉस्पिटल, वहाँ पे एक जैस कैश वाला साथ बैठा हुआ, हो सकता है मेरा तो गलत बैठा हुआ है ना, उसका काम तो नहीं है। आप देखिए आप ये इतना बड़ा चौक है ना, वो सामने मार्केट है, इधर भी मार्केट है, मार्केट में कोई बैठा हुआ लीगल चौक पे चले जाए अभी, मेरा 2 दिन पहले चलान हुआ है इधर, कितना मेरा मेरी बीसी हम कंगार हम जा रहे थे, 2000 नहीं उन्होंने 200 का किया है, ठीक है हेलमेट पहना बच्चे ने, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, मेरा आप देख सकते हैं, ठीक है एक्सीडेंट हुआ है, मेरा बच्चा 17 साल का है, मैंने रिक्वेस्ट की सर एमरजेंसी मेरी नानों की हार्ट का मसला बना है, हम जा रहे हैं, ये कपड़े हमारे पास पड़े हैं, मेरी बीसी है, मेरा बच्चा है कॉलेज से स्टूडेंट है, ये तो मेहरबानी काइंडली जाने दें, हेलमेट पहना हुआ बच्चे ने, नहीं चलान किस चीज का हुआ? चलान किया जी, ये 18 साल का नहीं है, इसका आईडी कार्ड नहीं है, मैंने रिक्वेस्ट की, वायलेशन तो है, बात सुन ले, वायलेशन चलान सर किया है, अब मुझे बताए वो दरख्त के नीचे बंदा बैठा हुआ है, आपका उसके साथ क्या ताल्लुक है? हमारा किसी के साथ मुझे फिलहाल किया, वो कह रहा भाई ये बंदा बैठा है इसे 200 रुपए दे तो चले जाओ, मैंने कहा यार अब जल्दी में आए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, प्लीज हमें जाने दो, उसने कहा हेलमेट ही दे दो मुझे, उसका बस कहीं नहीं चला, उसने कहा हेलमेट दे दो, हेलमेट सामने 500 रुपए वाला खोखा है उसके पास रखवा ले, हाँ जी 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 ज
मैं समझ गया हूं, सिक्टर वाले वो हमने कर दिया है, वो निकाल दे गया, तीन समझ गए, हेलमेट भी निकाल लिया, हेलमेट भी निकाल लिया, वो कह रहे हैं जितने आप 200 इसका पे करेंगे हेलमेट यहां से आप ले, कोई तो निशान नहीं रखा, बात करने का मतलब है कि इन्हें खुदा को भी थोड़ी सी देख लीजिए, मजबूरी समझनी चाहिए, मैं इसलिए अब आपको मैं चीज करता हूं, इसको भी चलान होना है किसी के साथ, आपका बेटा भी आपको नहीं हो सकता, इसको चलान होना है, उसने कुछ ना कुछ तो आपको बताना है ना कि ये हुआ, एक बंदा मजबूरी के तहत आ गया है, उसने सारी रिक्वेस्ट की यार, मैं अल्लाह बल के खुदा बल के बात सुन ले, आप रिक्वेस्ट बात सुन ले, मैं बात ये आप नहीं रिक्वेस्ट मारे, आप सारे सब इस बंदे की रिक्वेस्ट मानी गई है, सारे बंदे की गाड़ी रखी गई है, मेरी गाड़ी कहते थाने में लेके चलो, उसी टाइम सर कहा गाड़ी थाने में लेके चलो, इसे भी लेके चलो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अच्छा चले, बहुत शुक्रिया सर जी, इशारा तोड़ी जा रहे हो, की कर रहे हो, आज आज बिस्मिल्लाह, वो बुला रहे थानू, वो थानू बुला रहे सर, तुम हेलमेट भी नहीं पाया, इशारे भी तोड़ी जा रहे हो, आप हमारे जो वार्डन सामने खड़े हैं, आप कानून है, आपने इस तरह का काम नहीं करना है, ये तरीका नहीं चाहिए, मुझे 2000 रुपए चलान हो रहा है, इसको 2000 हो रहा है, अवेयरनेस कैसे फैले, आप कानून नाफिज करने वाला अदारा है, ठीक है, अगर आप इन चीजों को नहीं फॉलो कर रहे तो फिर कितना कितनी बुरी बात है, मैंने आपसे तो गलत बात की, मैं तो सिर्फ हमने कर रहा हूँ, मैंने कहा चले कोई इशारे में तो आए, मैं कहा यासिर साहब इशारा भी नहीं तो आए, तो कुछ ना कुछ तो दें ताकि लोगों को पता लगे कि जो वर्दी वाला है वो सबसे पहले कानून फॉलो कर रहा है, पहले ऑनलाइन हो गया सारा, चले जरा यासिर साहब जरा चेक करें, अगर इनका चलान हुआ तो फिर तो ना करें, और अगर तो नहीं हुआ तो फिर चलान करें, यासिर साहब आप बड़े खूबसूरत आदमी हैं और मुझे आपको देख के ना आप स्माइलिंग फेस है, माफी दें दे जी, नहीं सर माफी सिर्फ है, रिक्वेस्ट है कि मेनू अजकल पढ़ेंगे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सामने हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो मेन लोग हाई कोर्ट को नहीं समझते, आप हाई कोर्ट को समझते हैं, इसका क्या तकद्दुस सर, बाग आप समझ रहे हैं, चलो आप समझ रहे हैं, आप कैसे यहाँ ठीक है, आप गुस्से में लग रहे हैं, लेकिन एक बात यह है कि आपने और वॉयलेशन भी है कि आपने हेलमेट भी नहीं पहना, मैं आपको बताऊँ, आप सुने आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, राबीर, राबीर मुस्लिम नाम है, मैं आपको चीज बताता हूँ कि ना हम लोग सारा दिन सोशल मीडिया पे बैठ के पता कहते हैं कि अब वार्डन ना साढ़े ज्यादा कर रहे हैं, 2000 ले रहे हैं, साड़ी जान काट रहे हैं, फिर हम नीचे कमेंट करते हैं कि जो पुलिस अभी सुन ले भाई, सुन ले ये उनकी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी नहीं नहीं, इधर बात सुनने ना, आपने आपने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया, बात की है ना, अब मुझे भी प्रोग्राम करके अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया, वो क्या करे यहां पे खड़े हो, सुन ले क्या झूठी साडी, अब आपने बात सुननी एक चीज होगी कि हम वार्डन को उधर गालियां निकाल लें कि आम शहरी से 2000 नहीं दिया जा रहा, फिर हम पुलिस की परफॉर्मेंस नीचे कमेंट कर रहे हैं कि पुलिस इस तरह पुलिस उस तरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और ये उसका अमली सबूत ये है कि भाई ने नहीं हेलमेट पहना हुआ, भाई वन वे की क्या कहते हैं वो रोंग वे आ रहे हैं और उसके बाद सारा तोड़ रहे हैं, मैं तो उनसे बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं उन्हें कह रहा हूँ भाई आपने सबसे पहले कानून इंप्लीमेंट करवाना है, आप करेंगे तो मैं खुशी से करूंगा, मेरे से भी तो दो गाड़ी दिया जा रहा है, आप कानून जानते हैं सब गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं आप, माशाल्लाह वर्दी आप ये बात ना करें, नहीं नहीं मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक रिक्वेस्ट करके पूछ रहा हूँ, सारा दिन में कितने चलान हो रहे हैं, चलान तो काफी हो रहे हैं, आपके आपके हाथ से कितने हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, ज्यादा हो रहा है, नहीं नहीं 100 नहीं, लेकिन जितना भी 8 घंटों में हो जाते हैं, कितने होते हैं, 30 35 कितने हो, वायलेशन के हिसाब से ही है, हल्फन बताना है आम आवाम की हो रहे हैं ये वर्दी, आज आपने ये जो मैंने वर्दी पकड़े इसके अलावा कितने वर्दी पकड़े, आपको दें आपको जवाब मिल जाएगा, मैं आपको कहता हूं आपको जवाब मिल जाएगा, मैं हल्फन मैंने यूनिफॉर्म पर्सन के भी फाइन किए हैं जो लॉ के मुताबिक नहीं, आज किए आज अभी मैंने आपके सामने मैंने पकड़े ना, उससे पहले कितने, तो अभी 3 बजे तो मेरी ड्यूटी हुई है, 3 बजे के 15 मिनट कल कितने किए थे, हल्फन बताना आपने कल कितने किए, कल ये किया है उससे पहले भी किए हैं, चले आज तो हमने 3-4 करा दिए, अभी क्या करना है यासिर साहब, हाँ ठीक है इनका जो लाख के मुताबिक फाइन बनता है, एक और बार भाई अगर आप लाख की बात करते हैं तो कितने वकील यहाँ से गुजरे हैं भाई जिनको आप, वो भी गलत है, किनके, वो भी गलत है, हम अभी आपके सामने यार मेरी बात, हम आपके सामने भी पकड़ते हैं, आपने कहा कि हम आपके सामने भी पकड़ते हैं, आपने कहा कि ये वाला बंदा वर्दी पहनी है, इसे कानून पता है, आप आए आप मेरे साथ पकड़े, नहीं मैं क्यों पकड़ूं, मैं भी नहीं हूं, मैं भी नहीं पकड़ने वाला, मैंने निशानदेही करनी है, मेरी जॉब है ये निशानदेही करनी, मीडिया का क्या काम है, मेरा काम है निशानदेही करनी, ये जितनी जो कार्रवाई चल रही है ना मेरे ख्याल में आपकी तरफ से माइंड तो नहीं करेंगे, नहीं, 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 आपका ये डिमांड नहीं है कि आप किसी को रोके, रोकता ट्रैफिक प्लीज सर, मेरी सुन ले ना, रोक रहा हूं कि वर्दी वाले को आप नहीं रोक रहे, यार मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुनेंगे, बिस्मिल्लाह
पुलिस कार्रवाई कर रही है, ट्रैफिक पुलिस के साथ आपने जो भी निशानदेही करनी है वो कर सकते हैं। मैम आपको नहीं रोक रहे, हम आपको वो नहीं रोक रहे, सिर्फ इशू क्या है, आपने मेरी गुफ्तगू सुनी है, आपकी मैंने सुनी है ना, ये सारा इसी तरह जाएगा। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने वहाँ पे पुलिस वाले को रोका है, आप लोग वहाँ नहीं आ सके। मुझे हल्फन बताएं, आपने आज कितने वर्दी वालों के चलान चीज पता क्या है? अगर मुझे चलान हो रहा है तो ये वर्दी वाले को मुलाजिम को मेरी, नहीं हो रहा। मेरी बात ये लोग मैंने कल प्रोग्राम किया वहाँ पे ये लोग पर्ची की टिकट नहीं दे रहे, पार्किंग की टिकट नहीं दे रहे, नहीं आप हमसे क्या आप कहते हैं फिर हमें यार आप लोगों को रोकेंगे हम उनका चलान करें। यहाँ पे वर्दी लोगों को आपके रोकने पे चलान नहीं कर रहे, मैं ये अवेयरनेस के लिए आया हूँ। ये सामने सामने हाई कोर्ट है, इनके ऑर्डर है, हाई कोर्ट है, इनके ऑर्डर है कि नहीं, उसकी वायलेशन इस तरह से ना करें उसके बारे में निशानदेही कर सकते हैं हम। चले मैं आपको निशानदेही कर रहा हूँ, लेकिन आप चले मैं आपको निशानदेही कर रहा हूँ, निशानदेही कर रहे नहीं पकड़े आप, मैं पकड़ लेता फिर आपका चलान। मेरे पास कोई भाई जाता है ऐसे में उसको पकड़ लेना। देखे यार ये नहीं है भाई जहाज, भाई ग्राउंड रियलिटी है, हाई कोर्ट से दरख्वास्त है, नहीं हो सकता, मुलाजिम को नहीं रोक सकते यार, चीज तो नहीं है। मुझे क्या कहा आप निशानदेही करें, आपको मजीद निशानदेही कैसे करें? 200 मील दूर बंदा जा रहा है, कैसे को मुझे बताया अभी और आते हैं आप हमारे साथ, तो निशानदेही ऐसे करेंगे कि ये वो फलाना वर्दी वाला जा रहा है उसे ही पकड़े। हाँ इसलिए क्योंकि आम शहरी को तो हो रहा है, आम शहरी को तो हो रहा है, आम शहरी को तो हो रहा है, ये आ रहा है, वो जा रहा है, पुलिस वाले को हो रहा है, वालों को भी हो रहा है, आपके सामने ये पुलिस वाले का चालान किया है सर, वो निशानदेही पे किसका किया है? मेरे कहने पे किया सर, आपके कहने पे नहीं किया। ये आ गया, ये आया है, निशानदेही कर दी, निशानदेही किया, इसको रोक लें, ले जी निशानदेही का। और हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के बाहर सर आपको निशानदेही की है तो हम कर रहे हैं कार्रवाई, और कर लेते और निशानदेही कर देते। चले नाजीन ये है लाहौर हाई कोर्ट, इनके ऑर्डर्स हैं कि 2000 रुपया चलान करना है ये देखे बगैर कि वो बंदा वर्दी में है, वो वकील है, वो डॉक्टर है, वो कोई भी है, उसको करना है चलान जिसने हेलमेट नहीं पहना होगा। और इसके बड़े अच्छे जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो इंजरीज हैं वो कम हुई हैं, लेकिन मसला ये है कि 2000 का चलान उसको तो हो रहा है जिसकी 18000 तनख्वाह है, 20000 तनख्वाह है, एक मुलाजिम क्यों नहीं करवा सकता? ये हाई कोर्ट के बाहर आने का मकसद ही ये था कि यहाँ पे मुलाजिम आते हैं, मुलाजिम होने का क्या मकसद है कि आप क्या तमाम कानून से बालातर हो गए हैं, आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, आपकी नंबर प्लेट नहीं है, उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जब किसी मुलाजिम को रोकते थे तो फिर भी वार्डन चलान करने नहीं आता था, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप हमें निशानदेही करवाएं, निशानदेही कराई या नहीं रोका आप, आम शहरी को तो यहाँ से रोकेंगे भाई, ड्यूटी वो है, या तो आप बता दें कि आपकी ड्यूटी ये है कि आपने सिर्फ चलान पूरे करने हैं, किसी को भी रोक लें भाई इधर आ जाएं, या आपने कानून को इम्प्लीमेंट करवाना है। अगर कोई ऐसा शख्स कानून नहीं मान रहा जिसका जो कानून जानता है, जो वर्दी में मलबूस है, तो मैं कैसे कानून को मानूंगा? एक मुलाजिम को अगर ये महसूस नहीं हो रहा कि हेलमेट पहनना चाहिए तो आम शहरी को कैसे लगेगा? तो ये वजह थी आज का प्रोग्राम इस अंदाज में करने का, लेकिन मैं यहाँ पे इन्हें अप्रिसिएट ही करने आया था कि 2000 चलान से बहुत अच्छे समरात आ रहे हैं। बहरहाल 2000 देना एक मेरा ख्याल है वो बाले जान है, नहीं दिया जा सकता, लोग गुरबत से मर रहे हैं, लोग बिल जमा कराने के लिए खुदकुशियां कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2000 बाइक बंद होगी या 2000 देना पड़ेगा? लेकिन इम्तियाजी सलूक क्यों है? लाहौर हाईकोर्ट के बाहर जो है उसकी जो लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म की इस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो बाकी शहर में क्या होता होगा? किसी भी मुलाजिम को रोके उसका आगे से रवैया देख लें, भाई ओ अच्छा फलां दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो वार्डन हजरात हैं वो किस तरह करें, वो ड्यूटी नहीं कर पा रहे, और बाद में हमें कह रहे हैं जी निशानदेही करवाएं, हमने निशानदेही कराई आपने कितने को पकड़ लिया? ये अब ये जो साहब हैं मुझे नहीं पता है क्या काम करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये भी कोई पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आम शहरी को हो रहा है तो एक मुलाजिम को क्यों नहीं हो सकता? वो कह रहे हैं आप वकील को करवाएं, भाई करवाएं वकील को भी, पकड़े मैंने पकड़ना है, मैं तो यहाँ पे आया हूँ, पकड़े उसको, मुझे कह रहे हैं निशानदेही करवाएं, हम तो निशानदेही करवा रहे हैं फिर नहीं पकड़ रहे। अगर मैं 2000 दे सकता हूँ या मेरे बहन भाई दे सकते हैं, मेरी आवाम दे सकती है, तो आप भी दें। सबसे पहले कानून इंप्लीमेंट करने वाले जो इदारे हैं उनको कानून सिखाएं, वो सीख जाएंगे तो हम खुद ब खुद सीख जाएंगे।
बाहर के जितने ममालिक हैं वहाँ पे लोग कानून की इसलिए इज्जत करते हैं कि जो वहाँ पे आपको आपकी वॉयलेशन पे रोक रहा होता है वो कानून ही तोड़ रहा होता है। अभी मैं इंशाल्लाह भी जाता हूँ, वार्डन के अलावा कई जगह जो ये पुलिस एहलकार खड़े होकर खुद ही चलान कर रहे हैं कि तुम रॉन्ग वे आ रहे हो। भाई आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आप किस तहसील से हमें चलान कर सकते हैं। ये आज का प्रोग्राम था, मजीद आगे भी चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। सर जी की हेलमेट नहीं पाया, इमरजेंसी संग्राम हॉस्पिटल जाना था, जरा दुकान में भूल गए। तो हेलमेट फिर नहीं डाला? जेब में नहीं रहा इमरजेंसी। ये तो नहीं छोड़ेंगे, ये तो आजकल बड़े इनको बड़े सख्त ऑर्डर हैं। सर उनकी मेहरबानी है। सर ऑर्डर आपको पता है पहले 200 था, हाँ अब कितना है 2000। कोई बख्शिश नहीं बख्शिश सर, फिर आपको पता है आप सामने हैं, इनके पास आईडी ना लाइसेंस ना कॉपी ना ईच एंड एवरीथिंग। और ये साहब ने मसूख ने यही कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है, पूछने इनसे। क्या वैसे नॉर्मली जब आप किसी को चलान करते हैं वो क्या आपको आगे से बताता है? मुख्तलिफ उनके सरकमस्टेंसेस जो एडवर्स चल रहे हैं उसके मामलात के मुताबिक वो बताते रहते हैं हम आगे। क्योंकि 2000 बाहर वाले मुस्लिम लोगों की तनख्वाहें बहुत कम है, क्या किस तरह से लोग बाहर हैं? अब तो हाई कोर्ट को पता है, मतलब या जो उधर मतलब नहीं नहीं वैसे मैं सुना कि इसके बहुत अच्छे इस्तेमाल आ रहे हैं, इंजरीज यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक का भी इतना कोई मसला नहीं, अलहमदुलिल्लाह ड्यूटी मौजूद होती है, मूवमेंट इधर से गुजरती है, लेकिन हमें ना माशाल्लाह बहुत ज्यादा मतलब करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। कितने के चलान कर रहे हैं डेली? जितने हो जाए फिर भी अंदाजा ना से कोई टारगेट होता आप लोगों का? नहीं टारगेटेड कोई काम नहीं, आपने अपने जिस हिसाब से वायलेशन है ना चलान फिर भी काम। हाँ जी चाचा जी, तुसी हेलमेट पाया तो फिर भी नहीं पाया। देखिए पाकिस्तान ये मोटरसाइकिल जोन से बेचारे 15-20 हज़ार रुपया महीना कमाने वाले हैं, और गाड़ी का अगर 2000 रुपया चालान हो, गाड़ी जो 50 लाख 40-50 लाख की है, ये वैसे बढ़िया तो वो गाड़ी वाले 2000 का फाइन है, तो हेलमेट पहन ले। नहीं वैसे उनकी बात सुने, वो क्या कह रहे हैं, अगर उनको हेलमेट पहन ले वायलेशन ही ना करे। सुने ना सुने, जवाब बताए, जिस शख्स ने गाड़ी रखी हुई है 40-50 लाख रुपए की, अगर उसका 2000 का चालान हो तो मैंने खुद देखा है कि वो गाड़ी वाला इनके घुटनों को हाथ लगाता है कि यार मुझे छोड़ दे। और एक बाइक चलाने वाला जो शख्स है जो 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपया महीना कमाने वाला, चार बच्चे हैं उसके, वो 2000 रुपया कैसे भरेगा मुझे आप ये बताएं। 200 काम है 500 करते आप, ये डायरेक्ट 2000 अवाम को बेवकूफ बनाने वाली ठगने वाली बात है। 200 से अवाम ठीक आप 500 करें चलान, आप 2000 से सीधा 2000 में चला छलांग लगाई आपने, 200 से सीधा 200 से 2000 हो गया, पहले 200 ही था, तो 500 करें ना, 200 पे आवाम ठीक नहीं होगी तो 500 करें, ठीक है 500 दे, 500 पे ठीक नहीं होती 800 दे, 800 पे ठीक नहीं होती 1000 पे करें। आपने 200 से 10 गुना छलांग लगा दी, 2000 पे अवाम, ये अवाम ये बेचारी, वैसे ये अवामी जो बात है, अवाम ठीक है, रोटी नहीं है, आटा नहीं है, घर में घी नहीं है, ये नहीं है, तो वो वैसे बात बड़ी आम है। पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी गाड़ी वाले को 2000 चलान हो ना तो वो घुटने को आ लगा रहा होता कि सर ना करें, तो बाइक वाला कहते हैं कि हेलमेट ना पहन के, हेलमेट पहन ले सर, 200 में आवाम ने ठीक हो तो 400 करें, कानून की पास जारी कर दे, ये क्या बात है, 200 को आप 10 गुना भी ले गए 2000 में, 200 को 500 कर दे, उन्होंने कहा ये वायलेशन रुक नहीं रहा, अगर आप 200 से 500 करें ना, 200 को 10 गुना पे क्यों ले गए? ये लेके गए हैं क्योंकि आवाम जो है हमारी, जो हमारे भाई हैं वो हेलमेट नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, वो वायलेशंस कर रहे हैं, अगर उनको जुर्माना लगता है ज्यादा है तो वो हेलमेट पहन ले, अगर हेलमेट पहनेंगे तो जुर्माना ही नहीं होगा उनका। जब 200 से बात नहीं आई तो 500 से ठीक होगी, 500 से नहीं ठीक होगी फिर आप 1000 करें, 1000 से ठीक नहीं होती फिर आप 2000 करें। हाँ वैसे उनका यही कहना है कि आज 2000 है कल को 2 लाख ना करते, कल को 20 हज़ार ना करते आप जुर्माना, अब आम भी ठीक हो जाए, आप पहन ले हेलमेट, आप पहन ले, ये भी बात सही है, आप हेलमेट पहन ले, आपने 1 रुपए का भी चलान नहीं होगा, पहले भी अगर आप, मैं भी पहनता हूं, मैं पहले भी पहन का मुजाहरा करें, खुद आप खुद जिम्मेदारी हमारे ऊपर ना फेंक दे, आपको एहसास होना चाहिए कि आपने हमने खुद वायलेशन नहीं करनी, हम किस लिए खड़े हैं। या तो पूछ लो कि बहुत से लोग ये पता नहीं जिद लगा लेते हैं कि वो हेलमेट सर पे रख लिया, बाइक के साथ लटका लिया, तो उसको फिर वायलेशन कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं उसको? वायलेशन ही कंसीडर करते हैं जब उसके ऊपर लिख देते हैं रिमार्क्स में हेलमेट ऑन टैंकी, हेलमेट ऑन आर्म, हेलमेट बेरिंग ऑन, मतलब आपने बेरिंग तो ऊपर करना है ना, तो जब आप किसी और जगह पर रखेंगे कंसीडर तो वो यही होगा सर। वैसे ये
बिल्कुल ये अवामी तर्जमानी कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं इसी से जो लोग हेलमेट को करें गुजारिश करें, जो लोग पे और हैंडल के साथ टांगते हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। फिलफर्ट मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैं इसको सारा दिन नहीं पहन सकता, मेरी तबीयत अपसेट होना शुरू हो जाती है। एक शख्स ब्लड प्रेशर का मरीज है, वो किस तरह पहन सकता है? फौरन स्थान पे दर्द होना शुरू हो जाती है। आप ना इधर सामने जस्टिस शाहिद करीम साहब है लाहौर हाई कोर्ट में, जिन्होंने ये मतलब ऑर्डर जारी किया है। सर इनसे उनको पहुंचाए ऑटो में, काम है पहला हमारा काम देते थे। आप इनको तो बताया गया कि आपने मुझे हमें सुना दिया, हमारे डिक्लाइन की मतलब नहीं हम कर रहे ना, हम डिनाई कर रहे हैं क्योंकि हमें जो ऑर्डर आने हैं या ऑर्डर होने होते। पूरम भाई जी, मैं आपसे, आप बड़े पढ़े लिखे आदमी है, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ। मैंने हल्फन मैंने देखा कि एक मुलाजिम को चलान नहीं हो रहा, एक वकीलों को भी नहीं हो रहा, क्या मामला है कि मतलब कि कोशिश यही होती है। लेकिन अगर ज्यादा आपने मतलब इसके बारे में रिप्लाई लेना है तो हमारे दफातर मौजूद हैं, अफसरान मौजूद हैं। तो आप है ना, जीरो टॉलरेंस नहीं, तो हर एक के लिए होती है। लेकिन ना ये जरूरी नहीं कि हम उनको नहीं करते तो आवाम को भी नहीं करते, सारा को यार चलान भी नहीं होता। आज आपने सारा दिन पुलिस वालों किया? नहीं, मैं अभी तो ड्यूटी शुरू कोई नहीं किया, ना कल किया है। जब अगर कोई देखा जाए तो कम अज कम करते हैं, कुछ करते हैं कि उसको समझा दें। अवेयर यार हम लोगों को भी ज्यादा यही करते हैं, मतलब लोगों के साथ भी यही है। कह रहे को चलान, अब ये बुजुर्ग आदमी है, इसने अगर नहीं पहना हुआ मैं इसको रोकूंगा, छह सात और हैं रक्षे वाले के साथ, छह सवारियां हैं, वो अगर वायलेशन करता वो उससे पहले उतर के वो आ जाते हैं। सर प्लीज आपसे हाई कोर्ट से अपील है खसूसी तौर पे कि ये जुल्म मत करें अवाम पर, अवाम आगे बिलों रोटी राशन के चक्करों में। क्या आप 500 का मिश्रा दे रहे हैं? कम अज कम जो है 500 से नहीं अवाम ठीक होती तो फिर आप 1000 कर दें। आपसे खसूसी अवाम की तरफ से दरख्वास्त है कि ये जुल्म मत करें और प्लीज ये 2000 के जुर्माने को कम करके 500 या 1000 रुपए ले। भज रहे हो यार, थोड़े मुहाफिज ने, दोस्त ने, थोड़े चार ने, थोड़ी मतलब खैरियत ना घर पहुंचो। आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, कितना प्यार कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं आपसे। कभी लाइसेंस है आपके पास? माशाल्लाह, ये आप आपसे प्यार करते हैं, ये आपको देख रहे हैं, आपने क्यों नहीं पहना? हेलमेट क्यों नहीं पहना? हाँ इस तरह देखें, बड़ा भाई पूछता है। बाइक पे जा रहा था किसी का माल लेके, मैं माल देना, की माल है वैसे ये हेलमेट क्यों नहीं लिया आपने? आपको पता है बाइक पे बंदा जा रहा होता है, गिर जाता है, सर पे चोट लगती है, हेलमेट इसी सेफ्टी के लिए है। अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे आपको चोट लगेगी, वो आपकी जिंदगी के लिए है। मैं सही कह रहे हैं ना, अब ये चलान में नुकसान आपका होना, हमारा तो कोई नहीं, हमने तो इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। इस तरह बड़ा भाई समझाता है, चले फिर बिस्मिल्लाह करवा दें, करवा दें, कोई बात आप रुक भी नहीं रहते। हाँ ये गलत बात, साइड पे आते तो फिर आप नीचे आ जाएंगे। चले आपका विकास, विकास सर इन्हें कितने का होगा? इन्हें देख लेते हैं, हेलमेट नहीं पहना 2000 का फाइन है। वारे को हेलमेट ले लें, जितने का चलान है उतने में हेलमेट आए हैं, शायद 2 आ जाए। क्यों जी? जी ले लो हेलमेट, आया 2000 रुपये का फाइन आप, इससे बेहतर है चलान करवाने से हेलमेट ले लें। आप हेलमेट पहनेंगे तो ना हम आपको रोकेंगे, आप हेलमेट पहनें। लाजिम ये देखें इसी तरह से चल रहा है। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि कानून तमाम अशखास के लिए एक जैसा होना चाहिए। कोई मुलाजिम है, वो नहीं मुलाजिम, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई टीचर है, कोई कुछ भी है, कानून सारों के लिए एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी खास शख्स को हो जाए, खास शख्स को ना हो। अब ये मैंने साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने सारा दिन में या कल या परसों पुलिस वाले को नहीं किया हुआ, और जहाँ पे हमने पुलिस वाले को निशानदेही करवाई तो वहाँ पे वो कह रहे हैं वो भाई हमें ना बताएं, हम आप हमें निशानदेही करवाएं, हमने निशानदेही कराई, उन्होंने फिर भी नहीं पकड़े। आए आगे चलते हैं। जेंडर एज क्या एज है आपकी? मेरी 18। और आपकी? मेरी 17। 17 के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई चीज भी नहीं। हेलमेट नहीं पहना? हेलमेट नहीं पहना, दुकान पे रह गया था। ओ ये अब तो नहीं जाने देंगे, ये बड़े सख्त आदमी हैं। क्या नाम है? जिब्रान। जिब्रान जिब्रान 2000 रुपए है तो इन्होंने तो 2 से कम नहीं करना, ये बड़े सख्त आदमी, मैं इनसे देखा है। आप वो कह रहे हैं अंडर एज भी हो? नहीं नहीं, 18 साल उम्र है, मेरी आईडी कार्ड बना हुआ है। आईडी कार्ड बन गया है? लाइसेंस बनवाया? लाइसेंस नहीं बनवाया। आईडी कार्ड नहीं है इनके पास? जी आईडी कार्ड नहीं है, घर पे पड़ा हुआ। अच्छा, अभी 2000 रुपया है। क्या काम करते हो? कैंटीन है हमारी, नहीं आती है।
कितना का कमा लेते हैं? हो जाता है, गुजारा हो जाता है। 2000 रुपये बारह ले, बड़ा सख्त जुर्माना है। गाड़ी के नंबर भी नहीं है, ये कौन सी फ्लाइट फोर है? कंपनी की तरफ से ना इसका हो गया था। ये कौन सी फ्लाइट फोर है? इसका ना मसला है ना, जैसे किस्तों पे लिया ना भाई। हाँ, उसका मसला था रोड प्रिंस। हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, ये तो बहुत बुरी बात है यार। वो देखें, वो यहाँ पे खड़े हो गए हेलमेट में। सर क्या बताएं, 2000 को फर्क पड़ा है? भाई फर्क तो काफी पड़ा है, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे। नहीं आ रहे बाज? नहीं बाज आ रहे यार। जैसे आप लोगों ने जैस कैश के बंदे बिठाए हैं, साथ हेलमेट वाला बिठा ले। नहीं नहीं, हम लोगों ने नहीं बिठाया। शनि के साथ हेलमेट दे दो। नहीं, हेलमेट सरकार इतनी नहीं दे जाती ना, हमारे पास इतने वो डिपार्टमेंट का बंदा तो बिठाया। नहीं, हम लोगों ने नहीं बिठाया भाई, बैठने में अक्सर जगह में। नहीं आप देखिए, बैठा होता जहाँ पे मर्जी बैठा, हमने थोड़ी बिठाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी सैलरी है, हम उन पर नहीं डिपेंड करते। अच्छा, 10-20 लेते होंगे, मुझे नहीं पता। ऐसे सही बताना है, लेते होंगे भाई, उनके दुकानदार ये कारोबार है उनका। वो डिपार्टमेंट ने क्यों बिठाए हैं? हम लोगों ने नहीं बिठाए, किसी ना किसी ने तो बिठाया होगा। अगर हमने बिठाए होंगे, हम 20 रुपए क्या क्या औकात है 20 की? अल्हम्दुलिल्लाह 1 प्लस सैलरी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्यों लेंगे 20 रुपए? मतलब कि अगर कोई ले रहा है तो वो गलत ले रहा है, सरकार आपको ठीक पे कर। आई थिंक वो गलत ले रहा होगा, लेकिन देखे ना दूसरी तरफ ये देखे, उनकी दुकानदारी है। अगर वो किसी जगह पे बैठ के अड्डा लगा के ले रहे हैं, हमारे पास हम बैठने नहीं देते। रोड पे तो दुकानदारी नहीं होती भाई, किसी भी जगह पे हम कह रहे हैं, किसी भी जगह पे दुकानदारी वो लेते हैं, 10-20 लेते हैं, तो वो उनकी दुकानदारी होगी। हम उन्हें कर रहे हैं, वो नहीं बैठना चाहिए। हम उठाते नहीं है। अभी कितने के चलान काट लेते हैं आप डेली, क्या तादाद होती है? ये जितनी वायलेशन है, कुछ ब्रीफ करते हैं, कुछ चलान करते हैं लोगों के। आप लोगों को टारगेट भी दिया जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, टारगेट नहीं, टारगेट नहीं। अगर टारगेट हो फिर जहाँ पे 10 करते हैं वहाँ पे 100 होते हैं। लेकिन इनके पास तो नहीं है 2000, वो बच्चे से लग रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो उन्हें ब्रीफ करते हैं, कुछ उन्हें थोड़ा बहुत देते हैं, वार्न करते हैं, थोड़ा सा चलान देते हैं, नेक्स्ट वो ना पहन के आए। ऐसा क्या हुआ कि 200 से 2000 रुपये चला गया? ऐसे ये होना, लोग बाद नहीं आ रहे, 200 रुपये आते हैं जी, चलान करते हैं 200 रुपये का। कैसे जब 2000 का होगा, थोड़ा सा तो होगा ना लिफॉफ यार। नहीं, जिस महंगाई जितनी महंगाई फर्क पड़ा जी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अच्छा, 2000 का फाइन हुआ है, वायलेशन बहुत कम होगी हेलमेट की। अच्छा मुझे सर ये बताएं कि आपको चलान करने के अहल है, ये जो सरकारी वर्दी में होते हैं ये कांस्टेबल वगैरह, ये भी चलान करने के अहल है? नहीं, वो कभी भी चलान नहीं करते। सर मैंने देखा ये लोग रोड पे बैठे हुए हेलमेट पहन रहे हैं, हम खुद हेलमेट इस्तेमाल करते हैं। बात कर रहा हूँ कि वो भी चलान कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो सरकारी वर्दी में है, ये पंजाब पुलिस ये नहीं कर सकते, ट्रैफिक पुलिस वाले कर रहे हैं। ये अगर खड़े में, गलत खड़े में कहीं भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। वो स्पेसिफिक आईजी साहब ने नाके लगवाए हुए हैं, जो वन में आ रहे हैं, वो 7-5-50 में गाड़ी बंद करवाते हैं, 7 चलान करवाते हैं। ठीक है, वन वे का करवा देते खड़े हुए जो वन वे कारण को बंद कर रहे हैं। ठीक है यार, एक शिकायत हो रहा है आवाम की आपसे कि आप लोग वर्दी वाले बंदे को नहीं चलान देते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जब मैं आपको आप चलान दिखाता हूँ, वो कह रहा था कि मैं आई बी का हूँ, उसने मुझे कार्ड भी दिया है, लेकिन फिर भी मजबूरी है भाई, जब हमारे चलान हो रहे हैं। नो टॉलरेंस, अगर बड़ा भी होगा तो हम कम से कम ब्रीफ उसे करेंगे, नेक्स्ट टाइम लाजमी पहनने का, लेकिन करते हैं, आप करते हैं, पहले नहीं करते थे। ठीक है, नाज़रीन ये मामला है और ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। और जो आज के प्रोग्राम में हमने सरकारी मुलाजमीन पकड़े, उसकी वजह यह है कि अगर पुलिस एहलकार खुद कानून को फॉलो करेगा तो हमारे लिए कानून को फॉलो करना आसान है। और आज हमने कुछ जो है कांस्टेबल उनके चलान भी करवाए कि भाई अगर आप वर्दी में, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कानून से बालातर हैं, इसका ये मतलब है कि आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद हो रही है। आपने सबसे पहले इस कानून को फॉलो करना है, ताकि मुझे फॉलो करते हुए या दूसरे अब आपको फॉलो करते हुए को मसला मसाइल ना हो। ये आज का प्रोग्राम था, और अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।